जय साथियों साथियों, आपको मुझे यह जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पूर्व सैनिकों यानी कि डिफेंस पेंशनर और फैमिली पेंशनरों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कि जल्दी से जल्दी उनके निवारण हेतु जो है पोर्टल लॉन्च कर दिया है, रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। तो साथियों, जो रक्षा मंत्री जी ने वेटरन डे के मौके पर पूर्व सैनिकों या डिफेंस पेंशनर की शिकायतों को दूर करने के लिए पोर्टल की घोषणा की थी, तो साथियों मैं इसके बारे में आज कुछ बताने वाला हूं आपको कि आपने किस प्रकार से जो है, पहले तो सबसे पहले मैं इसके बारे में परिचय दूंगा आपको इस पोर्टल के बारे में, और आपको यह बताऊंगा सबसे पहले कि आपने किस प्रकार से इस पोर्टल पर जाना है। उसके बाद फिर इसके बाद जो है पोर्टल के बारे में बताऊंगा आपने किस प्रकार से अपनी शिकायतों को इसमें दर्ज करवाना है। फिर आपको ये बताऊंगा कि दर्ज करवाने के बाद आप उसका स्टेटस किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि मेरी दर्ज की हुई शिकायत पर क्या कार्रवाई अभी हुई है, और अगर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है तो आप जो है किस प्रकार से उनको रिमाइंडर कराओगे पोर्टल पर, किस प्रकार से रिमाइंडर कराना, या आपका कोई उन्होंने सॉल्यूशन दिया है आपको सही नहीं लग रहा है तो उसका क्लेरिफिकेशन आपने कैसे लेना है, और इसके अलावा अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा साथियों। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पोर्टल पर आपने जाना किस प्रकार से। साथियों, आपने अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर जिस पर भी काम कर रहे हैं आप, गूगल क्रोम खोलना है, इस प्रकार का आ जाएगा। तो आपने साथियों यहाँ पर करना है टाइप रक्षा, ये देखिए मैंने पहले से टाइप किया है, तो रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। ठीक है साथियों, ऐसे आप जब टाइप करोगे तो आगे बढ़ जाना आपने। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो ये देखिए इसमें इस प्रकार का आपका भी आएगा। तो यहाँ पर जो है, जो सबसे ऊपर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रक्षा पेंशन .DESW.government.gov.in, तो आपने इसको क्लिक कर देना। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जो है पोर्टल पर पहुंच जाओगे साथियों। अब देखिए मैं आपको इसमें सबसे पहले बताऊंगा पोर्टल के बारे में। ये देखिए साथियों, पोर्टल के बारे में जो है, ये देखिए रक्षा पेंशन शिकायत निवारण, सबसे पहले पोर्टल का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे कौन करता है डील, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेसमेंट वेलफेयर, ये देखिए डिपार्टमेंट DESW, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेसमेंट वेलफेयर है। तो पहले जो है ऑफलाइन चलता था, अब जो है आप अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। अब ये देखिए गवर्नमेंट ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि लार्ज नंबर ऑफ ग्रीवेंस को देखते हुए क्या है, सर्विस एक्सेस मैन और उनके डिपेंडेंट्स को कई इश्यूज रहते हैं, केवल पेंशन इशू ही नहीं है। ठीक है साथियों, के पेंशन इशू के अलावा जो हैं, जो अदर ग्रीवेंसेज भी हैं उनको भी जो है, जैसे कि इनके पेंशन, फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ये सारे इन्होंने इसमें जिक्र किया हुआ है कि यहाँ पे इनको कोई भी दिक्कत होती है तो उनके लिए पोर्टल बनाया गया है। जो आप, जो भी आप इसमें जो है दर्ज करवाओगे तो आपके, आपको एक SMS मिलेगा, ईमेल मिलेगा, ठीक है, जो आप इसमें रजिस्टर करवाओगे, मैं आपको ये सारी चीज़ें आगे बता दूंगा। ठीक है साथियों, तो आप इसमें आप जो है ट्रैकिंग स्टेटस भी, अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। तो ये सारी जो इन्होंने लिखा है कि इसमें से जो है 25 लाख जो एग्जिस्टिंग पेंशनर हैं उनको इससे बड़ा फायदा होने वाला है। अच्छा, आपने अपनी ग्रीवियंस को किस प्रकार से रजिस्टर करवाना है या लॉज करवाना है, अब ये देखिए पोर्टल में आपको ये दिखाई देगा ये वाला, तो आपने इसको क्लिक कर दे लॉज योर ग्रीवेंसेज। अब देखिए साथियों, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपने अपने रजिस्ट्रेशन कैसे कराना। अब देखिए, इज द ग्रीवेंस रिलेटेड टू एन एक्सेस मैन, तो आप तो यस ही लिखोगे क्योंकि आप हो ही यस, ठीक है। अगर आप नो करते हो तो देखो, अगर आप नहीं होंगे तो वो फिर बाहर सिविल पोर्टल में ले जाएगा, वहाँ पे मत जाना। इज द ग्रीवेंस रिलेटेड टू पेंशनरी मैटर, तो आप इसको भी यस कर दोगे, ठीक है। अगर आप नो करोगे और तब जाके कंटिन्यू करोगे तो मैं आपको बता दूंगा ये सिविल पोर्टल में ले जाएगा, जो दूसरा ग्रीवेंस रिड्रेसल हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बता दूँ, ये देखिए इसके ये कॉल सेंटर हैं और ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है साथियों। अब आपने यहाँ पे यस करके कंटिन्यू कर देना है, आपने कंटिन्यू किए। अब देखिए, अब आपने जो है यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप किसी भी फोर्स में रहे हो तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एयरफोर्स है तो एयरफोर्स, नेवी है तो नेवी, आर्मी आर्मी, यहाँ पे जो आप अपना पटिशनर कैटेगरी, जो आप पटिशनर हैं मेल, फीमेल या अदर, जो भी आपने कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना, अपना नाम टाइप कर देना साथियों। इज द पटिशनर एंड PPO होल्डर द सेम पर्सन, यानी कि इसमें अगर जो आप जो कंप्लेंट कर रहे हैं कि आप खुद ही कर रहे हैं या फिर किसी अदर का कर रहे हैं तो वो भी लिखना, अगर आप खुद कर रहे हैं तो अपना नाम लिख देना है यहाँ पर, यस कर देना है, ठीक है। अगर कोई दूसरा कर रहा है आपके बिहाफ पर तो वो क्या करेंगे, नो कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिख देना है, कंट्री तो है ही इंडिया, स्टेट अपना स्टेट लिख देना है, और अपना मोबाइल नंबर, जो आप ये मोबाइल नंबर लिखोगे इसी के थ्रू क्या चलेगा, आपका पूरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो मैंने आपको बताया था इसी पर आपका
जो है ये रजिस्टर हो जाएगा इसी के साथ में, ठीक है साथियों। अब सर्विस नंबर लिख देंगे आपका, जो आर्मी नंबर होगा, एयरफोर्स में जो नंबर रहते हैं या नेवी में, वो आप अपना लिख देंगे। अब लास्ट यूनिट लास्ट सर्व या रिकॉर्ड ऑफिस, जैसे कोई गढ़वाल राइफल का तो गढ़वाल राइफल, राज राइफल का राज राइफल, ठीक है, बिहार रेजिमेंट बिहार मतलब जिस भी रेजिमेंट से जो रिकॉर्ड ऑफिस है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। रैंक लास्ट हेल्ड, आप किस रैंक पे आए हैं, सिपाही पे आए हैं, नायक हैं, हवलदार, जेसीओ, नायब सूबेदार, जो भी है अपना नाम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप इसके बाद पीपीओ नंबर अपना, जो आपको आपके पास पीपीओ नंबर है आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे पीपीओ नंबर लिखने के बाद, टाइप ऑफ रिटायरमेंट, नेचर ऑफ पेंशन, यानी कि जब आप पेंशन आए तो किस उससे आए, देखिए सुपरन्यूएशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट आए आप, सुपरन्यूएशन जैसे जैसे करके आए, अगर वॉलेंट्री आए तो वॉलेंट्री, अगर फैमिली पेंशनर हैं आप तो फैमिली पेंशन लिखेंगे आप, डिसेबिलिटी पेंशन आए तो वो लिखेंगे, अगर अदर कुछ अदर उससे आए तो अदर में आप लिख देंगे, ठीक है साथियों। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या करना है आपने अपना यहाँ पर ग्रीवांस लिखना है, जो पूरा दिया है इसमें क्या करेंगे आप 4000 करेक्टर तक आप इसमें अपना कुछ भी टाइप करके लिख सकते हो कि मेरी ये समस्याएं हैं, ठीक है साथियों। अब इसमें देखो कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, ठीक है, आपने क्या है इनके अलावा जो है, इनके अलावा कोई अदर करेक्टर इसमें इस्तेमाल नहीं करने हैं, ठीक है, ये वाले जो करेक्टर हैं ये आप यूज कर सकते हैं, इनके अलावा नहीं, ऐसे नहीं कि आपने कहीं हैश कर दिया या कुछ कर दिया, ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसमें दे रखे केवल ये करेक्टर आप इसमें यूज कर सकते हैं बस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपने, डू यू वॉन्ट टू अपलोड पीडीएफ, यानी कि आपने कुछ ना कुछ सबूत तो डालोगे आप उसमें कि भाई मेरा ये हो रखा था, पीपीओ का डालोगे या जो भी ग्रीवेंस होगी, तो आपने उसको क्या कर देना, यस कर दो, क्योंकि आप अपलोड करना है ना, आपने ऐसे ऐसे यस करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, एक चूज फाइल आपकी जो ऑलरेडी मोबाइल में होगी, फोटो वोटो खींच के रखी हुई सबूत के लिए एक, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पे से चूज फाइल करके उसको क्या कर देना आपने अटैच कर देना है, पहले चूज फाइल करना है, उसको लोगे आप, उसके बाद अटैच हो जाएगा और तब आपने उसको क्या करना सबमिट कर देना, और ध्यान रखना उसका जो है 4 MB से ज़्यादा PDF फाइल होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए आप जब फोटो खींचोगे तो उसको चेक कर लेना उसकी जो है कि कितना है उसका, 4 MB से नहीं होना चाहिए। अच्छा जब आप इसको अपलोड कर दोगे साथियों, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो कैप्चा दे रखा है इसको यहाँ पर कर देना है और यहाँ पे से इसको सबमिट कर दूंगा साथियों, ठीक है। अब सबमिट कर दोगे तो इसके बाद क्या आएगा, आपका एक मोबाइल पर और ईमेल पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जो कंप्लेन आपने करी है या जो आपने समस्या डाली है इसमें, तो उसका क्या आ जाएगा आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसे नोट कर लेना साथियों, ठीक है। अब जो है मैं आपको बताता हूँ, नोट करने के बाद जो है आपने कुछ दिन में आप देखोगे भाई इसमें कुछ कार्रवाई हो भी रही है या नहीं हो रही, तो उसका जो है ये देखिए आप यहीं पे जाके ये व्यू योर ग्रीवेंस स्टेटस आप क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे और ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मोबाइल में आया था उसको यहाँ पे डालोगे, अपना वही मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है, और उसके बाद ये जो कैप्चा आ रखा है यहाँ पे कैप्चा डालोगे और सबमिट कर दोगे। जैसे ही सबमिट करोगे आप, आपका जो है उसका स्टेटस दिख जाएगा कि उसमें क्या कार्रवाई चल रही है, ठीक है साथियों। अब इसके अलावा जो है ये देखिए आपको लगा आपको स्टेटस कुछ नहीं आ रहा, ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो ये क्या करना है, ये सेंड रिमाइंडर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने क्या करना है सेंड रिमाइंडर पे जाना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे सेम जो आपको आया हुआ था मोबाइल में, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर डालोगे और यहाँ पे ये कैप्चा डालोगे और सबमिट कर दोगे। अब ये यही इसी चीज़ को आप क्या है आप क्लेरिफिकेशन के लिए भी कर सकते हो, आपको जवाब आया आप सेटिस्फाई नहीं हो उससे, तो आप जो है क्लेरिफिकेशन में भी डाल सकते हो उसको इसी में, ठीक है साथियों, दोनों चीज़ कर सकते हैं इसमें, ओके। अब इसके बाद देखिए साथियों आप जो है फीडबैक भी दे सकते हैं अपनी तरफ से, आपका काम किस प्रकार से जो है DSW के द्वारा किया गया है, आपको अच्छा सेटिस्फाइड है तो आपकी मर्जी, आप जो है यहाँ पे अच्छा लिख सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका आया था मोबाइल नंबर डाल के और कैप्चा डाल के सबमिट करोगे, तो उसमें कुछ लिखने के लिए आएगा आपको, ठीक है, कि आपकी फीडबैक क्या है, तो आप उसमें लिख दीजिएगा कि मेरा अच्छा काम किया है इस प्रकार से, इतने कम दिनों में काम कर देगी, और नहीं आप सेटिस्फाइड हैं तो आप उस चीज़ को भी लिख सकते हैं साथियों, ठीक है साथियों। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका जिस प्रकार से भी काम होगा तो ये फीडबैक के हिसाब से जो है आपके साथ में देखा जाएगा। वैसे तो साथियों जो अगर डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है तो इसीलिए क्या है, ताकि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल सके, पेपर वर्क आपका छूटे और डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले, और जल्दी से जल्दी, आपको पता है डिजिटल से काफ़ी काम जल्दी निपट जाते हैं, तो इसलिए जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है ये जो है आपको, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा पेंशन शिकायत, ठीक है साथियों। और ये देख लीजिए इसको कौन डील कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेसमेंट वेलफेयर। साथियों बस आज के लिए इतना ही, अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए होगा आप इस मेरे से ले सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। जल्द आऊँगा नई वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।